हालत देख लो, 2 हफ्ते से धोई तक नहीं है मैंने। आद्या मैं चीजें जुगाओ लेती हूँ। आद्या I was walking down the street just the other day. What can I say? It's just a day in my life. I'm up early in the morning and bed early at night. तो भी डेडिकेशन देख लो मेरी, इतनी सर्दी में रात के 8 बजे गाड़ी धो के ही मैंने, मतलब होता है ना, चैन की सांस ली। परमार साहब व्लॉग्स देखने वाले मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। हाँ, मेरा नाम है निशांत परमार सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल परमार साहब व्लॉग्स में। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इतने दिनों के बाद और इतने दिनों से व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, तो इसका मैं बता दूं आपको कि मुझे हो गया था डेंगू। और एक्चुअली जैसे मैं घर से आया था तो वैसे मुझे डायग्नोज हो गया था डेंगू। और उसके बाद मैं 8-10 दिन से मैं चल रहा था मेडिकेशन पे, तो काफ़ी इंजेक्शंस वगैरह दवाइयाँ वगैरह कंटिन्यू थी। और आपको पता ही है कि डेंगू में शरीर कैसे टूट जाता है, प्लेटलेट्स डाउन आ जाते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या डाइट्स लेनी पड़ती हैं रिकवरी के लिए। तो बस वही सारा प्रोसेस चल रहा था और उस प्रोसेस में मेरे को अच्छा नहीं लगा कि मैं कोई ब्लॉग बनाऊँ। तो सोचा जब रिकवर हो जाऊँगा तब व्लॉगिंग दोबारा शुरू करूंगा। और आप देख सकते हैं हालत अभी भी, आई एम अगेन इन टू माई ग्रे हेयर्स। तो यही रीजन था कि इतने टाइम से व्लॉग क्यों नहीं बन पा रहे थे। तो भी कोशिश करूंगा, जो भी अभी ये इतनी लंबी जो ब्रेक लगी, दोबारा इसको इतना कंटिन्यू नहीं करेंगे, मतलब व्लॉगिंग अपना दोबारा से कंटिन्यू करते हैं और दोबारा से नए नए व्लॉग्स आपके लिए लेकर आते हैं। तो हाँ, इसके बीच में एक और मैं चीज़ बता दूँ कि भाई जो जितने भी अर्जेंटीना के फैंस हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं फॉर बिकमिंग अ वर्ल्ड चैम्पियन। जो मैच था फाइनल अर्जेंटीना और फ्रांस का, बहुत ही ज़बरदस्त मैच था। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फुटबॉल में, फुटबॉल का वर्ल्ड कप का फाइनल भी इतना इंटरेस्टिंग होगा। और इसमें तारीफ करनी पड़ेगी फ्रांस का जो नया फुटबॉलर है एम्बापे की, जिस तरह से उसने सिंगल हैंडेड फ्रांस को ऑलमोस्ट वर्ल्ड चैंपियन बना दिया था। तो इट वाज एन अमेजिंग मैच रियली, और बहुत ही अच्छा दोनों टीम्स खेली। और लास्ट में होता ही है, विनर तो किसी एक को ही बनना होता है। तो चलिए, तो दोबारा तो क्या है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी वीडियोस अपलोड किए हैं उन वीडियोस को ज़रूर देखें, शेयर करें। और बहुत ही करीब मैं हूँ 500 सब्सक्राइबर्स पूरे करने के, तो तब तक थोड़ा सा पुश कीजिए जो भी मेरे फैमिली है परमार साहब व्लॉग्स की, ताकि जल्दी से हम इस टारगेट को कोशिश करेंगे विद इन दिस ईयर 22 हम इसको कम्प्लीट करें विद इन 31 दिसंबर। प्यार देते रहिए, साथ देते रहिए, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने की। तो आप देख सकते हैं पंजाब में कि भाई अभी धुंध का सीज़न चल पड़ा है,
एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैं बीमार हुआ था मैंने मम्मी को यहाँ पे बुला लिया था, तो मम्मी भी बहुत खुश होकर यहाँ पे आ गए थे कि चलो यहाँ पे धूप सेकने को अच्छे से मिल जाएगी। पर हुआ क्या कि जैसे वो यहाँ पे पहुंचे तभी से मौसम चेंज हो गया और सूर्य देवता के दर्शन बहुत ही दुर्लभ हो चुके हैं। पूरे दिन ऐसे ही फॉग रहती है, तो वो भी अभी शायद मंडे को वापस चले जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को खत्म और मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और फॉग में गाड़ी थोड़ा सेफ होके चलाइए, नेसेसरी ट्रैवलिंग अपनी अवॉइड कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग में, तब तक परमा साहब ब्लॉग्स को दीजिए इजाजत। शुक्रिया।